अमरनाथ एक पवित्र तीर्थ स्थान है जो बर्फ से बने शिवलिंग के प्राकृतिक निर्माण के लिए जाना जाता है। अमरनाथ की ये गुफा जम्मू कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ बर्फ से बनने वाले शिवलिंग के निर्माण के पीछे एक गुप्त कहानी है। चलिए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। अमरनाथ की ये कथा कैलाश पर्वत से शुरू होती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उन रुद्र की मोतियों की माला के बारे में पूछा, जिसे उन्होंने अपने सिर पर धारण किया हुआ था। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए ये बताया कि सबसे पहले उन्होंने इन मोतियों को उनके जन्म के प्रतीक के रूप में पहनना शुरू किया था। जब जब वो पैदा होती हैं तो एक मन का उस माला में जोड़ा जाता है। ये सुन माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, मैं हर बार क्यों मरती हूँ और फिर पुनर्जन्म लेती हूँ, जबकि आप तो अमर हैं। इस पर भगवान शिव उन्हें अपने अमर होने की सच्चाई के बारे में बताते हैं, जिसे अमर कथा कहा जाता है। इस कहानी को सुनने के लिए माता पार्वती काफी उत्सुक हो जाती हैं और बाबा भोलेनाथ से उसे सुनाने के लिए कहती हैं। वहीं भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके द्वारा बताए गए जीवन और मृत्यु के रहस्यों को सुने, इसलिए उन्होंने इस कहानी को सुनाने के लिए सुनसान गुफा में जाने का फैसला किया, ताकि कोई भी आम व्यक्ति या देवता वहां पर आसानी से न पहुंच पाए। यही नहीं, भगवान शिव उस रहस्य को केवल अपने और माता पार्वती के बीच ही रहने देना चाहते थे, इसलिए वे अपने सभी साथियों और सामान को रास्ते में ही छोड़ते चले गए। गुफा की ओर जाते समय बाबा भोलेनाथ ने अपने बैल नंदी को पहलगांव में छोड़ दिया, जबकि अपनी जटा के अंधचंद्राकार को चंदन वाड़ी में ही रहने दिया। जिस सांप को वो अपने गले में लपेटते थे उसे शेषनाग में छोड़ दिया। यहाँ तक कि जीवन के 5 मूल तत्व जिसे वो धारण करते थे उसे पंचतरणी में छोड़ दिया। यही नहीं, अपने पुत्र गणेश को भी भगवान शिव ने महागुड़ पर्वत पर छोड़ने का फैसला लिया। ये सारे वही सामान हैं जो भक्तों को अमरनाथ की यात्रा के दौरान रास्ते में मिल जाते हैं। इस कथा को सुनाने से पहले बाबा भोलेनाथ पूरी तरह से ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कहीं कोई जीव उनके द्वारा बताई जाने वाली अमरता की कहानी को सुन न सके, इसलिए उन्होंने कालाग्नि रुद्र की रचना की। इसके बाद उन्होंने कालाग्नि को ये आदेश दिया कि गुफा में आग लगा दे, ताकि किसी भी जीवित प्राणी के निशान वहां न रह पाए। जब भगवान शिव पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि अब गुफा में कोई नहीं है, तब वो वहां हिरण की खाल बिछे चबूतरे पर बैठ गए और फिर माता पार्वती को अमरता की कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती दोनों गुफा के अंदर एक बर्फ लिंग में विलीन हो गए। अमरता की वो कथा उसी गुफा की सीमा में रह गई और फिर उसे अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाने लगा। बता दें, अमर का अर्थ है सदा जीवित रहने वाला और नाथ का अर्थ है भगवान। इस नाम से ही पता चलता है कि ये वो अमर स्थान है जहां भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया था। हर साल लाखों भक्त इस दिव्य गुफा में बाबा अमरनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋषि भृगु ने सबसे पहले कश्मीर की घाटी में इस गुफा की खोज की थी। उन्होंने ही स्थानीय ग्रामीणों को दिव्य बर्फ के लिंग के अस्तित्व के बारे में बताया था। जब इस गुफा के बारे में आम लोगों को पता चला तो वे सभी सावन के पवित्र महीने यानी जुलाई अगस्त के दौरान पैदल यात्रा कर बाबा के दर्शन के लिए आने लगे। इस यात्रा की शुरुआत पहलगाम के नुनवान और चंदनबारी में स्थित शिविरों से होती है, फिर शेषनाग झील और पंचतरणी शिविरों में रात्रि विश्राम के बाद गुफा तक पहुंचती है। इस पूरे सफर को ही अमरनाथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ की ये पवित्र यात्रा हजारों लोगों के आय का स्रोत मानी जाती है, साथ इससे कई लोगों की जीविका भी चलती है। हिंदू मान्यताओं में बर्फ का ये शिवलिंग एक प्राकृतिक घटना से कहीं ज्यादा लोगों के विश्वास और शिव के प्रति उनकी भक्ति से जुड़ा हुआ है।
ये मंदिर उसी का प्रमाण है जहां सभी लोग बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद लेते हैं। अंत में आशा करते हैं कि आपको अमरनाथ में बर्फ के शिवलिंग के निर्माण की ये कहानी पसंद आई होगी। अब जब भी आप कभी अमरनाथ की यात्रा की योजना बनाएं, तो इस कहानी को जरूर याद रखें। तब तक के लिए इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। नमामि आदि शंकरम, नमाम्यहम महेश्वरम, दमद दमद नमम्याहम श्री अमरनाथ ईश्वरम।